How long must a driver take to drive the final 70 miles of trip if you want to average 50 miles an hour? Miles an hour for the entire trip. During the first part of the trip, he drove 50 miles in 1 and 1.5 hours. ठीक है, यहाँ ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है इक्वेशन. क्या डिफरेंस है? पिछले वाले इक्वेशन में क्या था, हमको टोटल फाइनल डिस्टेंस दिया था, फाइनल टाइम दिया था. यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमको फाइनल पार्ट दिया है जर्नी का, और ये जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया है, और हमें ये बोला गया है कि पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो 50 माइल्स एन आवर्स होनी चाहिए. ठीक है, तो चलिए राइट अप करते हैं सब कुछ. पहले एक्स वन हमारे पास कितना है, इनिशियल डिस्टेंस वो है 50 माइल्स, और टाइम कितना है टी वन, वो दिया है 1 1.5 आवर, तो वो हो जाएगा 3/2 आवर. ठीक है, जो एक्स टू कितना है हमारे पास 70 माइल्स, हमारे पास टी टू नहीं है, और एक अनदर जो फिलोमिना है वो ये है कि एवरेज स्पीड ये दोनों की वो हमारे पास है 50 माइल पर आवर. ठीक है, 50 माइल्स पर आवर वो हमारी पूरी जर्नी की एंटायर स्पीड है, और हमारे पास इसके लिए टी नहीं है, तो हमें टी फाइंड करना पड़ेगा. उससे पहले हमको फाइंड करने का टोटल डिस्टेंस कितना है, फाइनल डिस्टेंस. तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी इधर क्या होगी, हम सबसे पहले एक्स फाइंड करेंगे, दैट इज टोटल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू डिस्टेंस. उसके ऊपर से हम टाइम फाइंड करेंगे कि टोटल टाइम कितना है हमारे पास, और ये टाइम आ जाएगा. उसके ऊपर से हम ये टी टू फाइन करेंगे, क्योंकि टी वन तो हमारे पास है और टी टू कितना है, और वो टी टू है वो हमारा फाइनल आंसर है. ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं. क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, दैट इज टोटल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 50 प्लस 70 विच इज इक्वल टू 120. नाउ टोटल टाइम टी कितना पूरी जर्नी के लिए, टी इज इक्वल टू एक्स बाई वी, वी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड. ये क्या है, स्पीड फॉर एंटायर जर्नी. यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए अगर हम एवरेज स्पीड ले तो इसको हम टोटल टाइम बोल सकते हैं. ठीक है, तो आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है 50, तो वो होगा 5 आवर्स. अगर हम सिंपलीफाई करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2/5 आवर दैट इज इक्वल्स टू 24 मिनट्स, टू बी प्रिसाइज. ये कैसे, 2 × 5, काफी सिंपल है. 12 × 24. ठीक है, अब हमारा रिमेनिंग टाइम कितना है, टी टू कितना आएगा, टोटल टाइम माइनस टी वन, दैट इज 12/5 − 3/2 विच इज इक्वल्स टू 10 हम लेंगे तो 24 माइनस इसको 5 15 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 10. ये 9 डिवाइड बाय 10 को अगर हम कन्वर्ट करें मिनट में तो वो आ जाएगा 9/10 × 60 = 54 मिनट आएगा. ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज
54 मिनट्स।